शहर के बीच जो इसी पदी मुनिभर 1990 में बनाया गया महल है वो इल्लीगल है। उसके अलावा 87 सेंटीमीटर की जमीन पर 2007 में 19 तारीख से इंडियन ट्रैवल एक्ट लैंड सेक्शन लॉ के मुताबिक करुणा ग्रुप ऑफ के चेयरमैन जोसेफ थॉमस वो अभी जिंदा हैं। उनकी बिरादरी में जो आखिरी वंशज है इस व्हील पावर के मुताबिक उस महल में नबोद्री पांडे का भी बराबर का हिस्सा है। अदालत ये फैसला सुनाती है। भाई साहब नमस्ते। अच्छा पुलिस की वर्दी कहाँ है? आओ आकर बैठो। हाँ भाई साहब, कोर्ट का जो फैसला है बाबू कुट्टी को जरिया बनाकर हमने जो प्लान किया है बेकार हो जाएगा। अरे जोसेफ और नमोदरी को बीच में लेकर मित्रन को हम खरीद लेंगे, उस हिसाब से ये जो दुश्मन का विचार है। फिर भी ये बाबू कुट्टी चुप नहीं बैठेगा। भाई साहब आपका और जोसेफ का जो करीबी रिश्ता है उसका फायदा उठाकर किसी भी तरह इस महल को लेकर वो अपना जाल बिछाएगा, क्योंकि इस महल के लिए बाहर के लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। आपको अपने जाल में फंसाने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। भाई साहब एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो। आइए भाई साहब। भाई साहब कहाँ है? ऊपर ही है। एलियन है सर। अरे तुम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ, काफी है। ठीक है मैं उसे बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वकील साहब ये सब होगा क्या? सर वो क्या है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे। वो महल हमारे हाथ आएगा कि नहीं आएगा? सर ये मैं कैसे बोल? चुप रहिए। वो जो बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब तो है? ये जो इल्लीगल महल है, जो 25% का जो शेयर है वो मलवर ग्रुप कंपनी हमारे ही हाथ में तो है। बाकी के 75% का जो शेयर है वो अभी करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी और नमोदरी के नाम पर है। हाँ अरे जब केस हम खत्म करेंगे तब हम नमोदरी के साथ मिलकर इस मसले को हल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कमबख्त नालायक जोसेफ नमोदरी इस आदमी को केस देने के चक्कर में ही यहाँ खड़े हैं। बड़ा आया काला पहन कर। रुके, छोड़ो मुझे। अरे एक केस के बाद पूरा खेल खत्म हो जाएगा क्या? तुम तो कुछ बोलो नहीं। तुम लोग केस जीत कर इस महल को अपने नाम करवा लोगे? ऐसे एमपी एमएलए सबको हमने पैसे दिए हैं, एक या दो रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। उस पैसे की वजह से ही हमने गांव वालों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। लेकिन जिसके हाथ में 25% का शेयर है वो है नंबोदरी और वो डरने वालों में से नहीं है। उसे जान से मार दो। उसे खत्म करने वाला आदमी यहाँ नहीं है तो बाहर से बुलाओ, कितना भी खर्चा हो जाए। मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है, मरवा डालो उसको। अरे रुको, तुम्हारे मलवार के आदमी जो खुदाई करते है ना उन्हें यहाँ लाकर माहौल बिगाड़ने के बारे में मत सोचना। ये धरती वर्तनामन की धरती है, यहाँ कब क्या करना है ये कोलापल्ली फैसला लेगा। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए होटल रिसोर्ट बनाने के लिए कई सारी जमीनें यहाँ मिलने के बावजूद भी तुम्हें यही महल क्यों चाहिए? तुम लोग जो जिद कर रहे हो वो किस वजह से है ये कोलापल्ली समझ रहा है। अरे कोलापल्ली हमारी हालत को समझा करो। इस महल को रख कर वो दुबई में जो फिरोज है ना उसके साथ डील करने वाले हैं। चुप रहो यार, पार्लियामेंट में भी तुम्हारी बात सुनकर बेकार में हम अपमान झेल रहे थे, वो भी इसकी बातों में आकर। तुम्हें मैंने पहले भी चेतावनी दी थी। जब ये केस कोर्ट में गया था तभी मैंने इनको समझाया भी था। अरे कोर्ट के केस से ज्यादा नमोदरी का स्टेटस के बारे में पता करना जरूरी है। उसके हाथ में जो शेयर्स हैं उस शेयर्स को उठाकर करुणा जोसेफ कंपनी को दे दिया तो तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे कोलापल्ली इस विषय में कोई भी रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो दुबई की जो पार्टी है ना वैसे पार्टी कभी नहीं मिलेगी। भाई साहब आप तो कुछ कीजिए। भाई अगर आप चाहेंगे तो। सुनो मोहम्मद। भाई साहब इनकी बात सुनने के बाद एक बार जाकर जोसेफ से मिल लेंगे।
लो आगे। ये महल का जो भी फाइनल डिसीजन है ये जुडिशरी के अंडर में आता है। अगर फिर भी हम मिलकर कोई बात करेंगे तो इसमें कोई भी हल नहीं निकलने वाला, ये हम सब जानते हैं। फिर भी मुझे और इस बाबा जी के प्रति जो इज्जत है, उस बाबू कुट्टी की वजह से आपस में समझौता करने की बात सुनी तो। अरे तुम चुप रहो, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी। अरे भाई साहब आप जरा चुप रहिए ना। प्लीज, इस बारे में हम सबको मिलकर कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। बाबा जी के नाम पे जो शेयर्स है अगर वो हाजी भाई को मिल जाए तो हमने जो कीमत लगाई है वो कम नहीं है। बाबा जी आप जो कीमत बोलेंगे हम उस कीमत में खरीदने के लिए तैयार है। अरे देखो, पहले एक काम करो, इस महल के जो भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स मेरे नाम करने के लिए हाजी से पूछो कितना चाहिए इसे। बाबू कुट्टी को अपने शेयर की कीमत बताओ। हाँ, इसकी जो कीमत बोलेंगे वो तुम देने को तैयार हो क्या? बाबा जी आप चलिए। जोसेफ एक मिनट। नो, आप आइए। ए जोसेफ, ए कान खोल कर सुन ले। तुम लोगों का जो घमंड दुबई तक फैला हुआ है ना, उस करुणा ग्रुप को खत्म करने के लिए बाबू गुट्टी को 4 कॉल करना ही काफी है। कुछ समझ गए मेरी बात? हाँ, एक जमाने में 4 पहिए वाली गाड़ी में नींबू शरबत बेचने की औकात थी बाबू कुट्टी की, ये तुम शायद भूल गए हो। ये औकात है बाबू कुट्टी की। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करुणा ग्रुप की परछाई छूने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बाबा जी आप चलिए। बड़ा आया शेयर्स को दान देने वाला। गुरुजी, टेंशन मत लीजिए। अरे तू चुप रह, बड़ा आया टेंशन ना लो बोलने वाला, जा यहाँ से।
कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? वो क्या है ना सर, मैं काम की सिलसिले में बाहर गई थी और मेरी ट्रेन लेट हो गई इसलिए। कहाँ से आ रही हो? मैं कन्नूर से आ रही हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है, कहाँ जाना है बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। अरे बोल रहा हूँ ना, आ जाओ। चली जाऊंगी। अरे कहाँ भाग रही है? रुको रुको, मैंने कहा रुको। भाई एक डोसा बनाओ ना। रुक रुक, मैंने कहा रुक। मुझे बचा लीजिए सर। सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये निकल तू यहाँ से। रुक रुक। वाह वाकई में तो असली पुलिस वाला है। क्या ताकत है, खाकी वर्दी पहनकर चोर को पकड़ना छोड़कर एक लड़की के पीछे पड़ा है। शर्म नहीं आती क्या तुझे? हाँ fill in the blanks। उसे छोड़कर इस बेचारी लड़की को कुत्ते की तरह मुंह लगाना जरूरी है क्या? एक बेचारी लड़की को छाला मार्केट में आधी रात में दौड़ाने के बाद तुम रनिंग कॉम्पिटिशन चला रहे हो क्या? ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? सर मैं वासु, इस छाला मार्केट में ही बचपन से पला बड़ा हूँ। छाला वासु? छाला मार्केट में बड़ा हुआ तो क्या हुआ? सर आपको कोई शक है क्या? इस छाला मार्केट में रहने वाले के सर में सिंह कुछ ज्यादा ही है। खाकी वर्दी पहनकर लॉकअप और कोर्ट के बाहर जो दिखाते हैं ना, वो रुआब इस छाला मार्केट में दिखाओगे तो तुम्हारी आंतरी आंतरी बाहर करके फेंक दूंगा, किसी कुत्ते को खिला दूंगा, समझा क्या? चलो वाशु होगा। अरे अरे कौन है? अरे ये लड़की कौन है और ये बैग किसका है? आधी रात में इस लड़की को लेके आए हो, कौन है ये? बताता हूँ। ये कौन है वासु भाई? सब कुछ बाद में बताता हूँ, पहले इस लड़की के लिए पीने के लिए पानी लेकर आओ। ये कौन है माँ? अरे कौन है क्या, लड़की दिखाई नहीं देता, कब से बोल रही है कौन है कौन है? चुप हो जा। बहन जी आप डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये माधवी माँ है, मतलब मेरी सगी माँ जैसी। जो अंदर गई है वो है सुधा और ये है गायत्री। अरे ये बच्ची कौन है पहले ये बताओ मुझे। ओह अरे हमारे जोसफ जी के ऑफिस में काम करती है। कहाँ से आई है? कन्नूर से आई है। अच्छा परिवार है लेकिन ये एक धोखेबाज के जाल में फंसकर जिंदगी जी रही है अपनी, और जिएगी भी क्यों नहीं। जींस और पैंट शर्ट पहन कर ये रास्ते में चल रही है तो कोई भी मार्टिन जैसा मुंह लगाने का तो सोचेगा ही ना। अरे हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ? आगे क्या होगा माधवी माँ,
मधु सर को मैंने समझाया था, आपका ये जो अतरंगी रवैया है वो इस शाला मार्केट में मत दिखाओ, लेकिन वो माने ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि वासु के हाथ से थप्पड़ पड़ता है तो लोग सही हो जाते हैं, इसलिए मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारा और इस लड़की को उठाकर यहाँ ले आया। अच्छा काम किया, ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। इसका मतलब एसआई सर को 3 दिन के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, शाला मार्केट के भी कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। अरे कन्नूर से तुम यहाँ अकेले आ गई हो क्या? बाप भाई ऐसा कोई नहीं है क्या? उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आ गई तुम? घर पर मेरी माँ और 2 बहनें हैं इसलिए। ऐसा है क्या? वो तो बोल रही है ना, वापस क्यों सवाल कर रही हो? मैं चलता हूँ। अरे और भी कोई काम है कि नहीं तेरे पास? बैंगलोर से एक ट्रक एप्पल आ रहा है, मेरा वहाँ रहना जरूरी है, वरना हाजी भाई को जवाब कौन देगा? सुनो, सुबह तुम तैयार है ना, मैं तुम्हें भाई साहब के पास छोड़ दूंगा। हाँ मिस्टर मैथ्यूज, जरा मैं देखती हूँ। हाँ सही बोला आपने। ओके, दैट आई विल मैनेज। मेरे ख्याल से मॉर्निंग फ्लाइट से पहुँच जाएंगे, सब अरेंज कर लेंगे। कहाँ रख दी इसने? एलेक्स भाई वहाँ संभाल लेंगे। ओके ओके, मैं पापा को बोलती हूँ। ए तुम्हारी परेशानी क्या है? नोटबुक कहाँ है? अरे वो तो यहीं रखी थी ना। बेकार में टेंशन दे रही हो तुम मुझे दीदी। किस लिए छुपाया तुमने? और क्या, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तुम मुझसे झगड़ रही हो। चुप रहो दीदी, तुम जाओ यहाँ से। आइए भैया। हाँ 35 रुपया। क्या 35 रुपए? ओ ऑटो का नाम तो भगवान रखे हो, लेकिन चलाते हो भूतों के जैसे। वासु भाई, तुमने बताया नहीं ना? क्या? अरे क्या करूं, तुम्हें नहीं बता पाया मैं। ये लीजिए। ये क्या है? अरे कमबख्त। चलो, इस घर के सारे लोग ऐसे ही हैं अतरंगी। अरे वासु, तुमने कल उस एसआई मधु की पिटाई कैसा सुना मैंने? अरे वो इतना जल्दी न्यूज में भी आ गया? अरे आमसा ने मार्केट से फोन किया था, फ्रॉड मधु को 2 किडनी बदलना पड़ेगा ऐसा आमसा ने बताया। तुमने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। अरे मैंने तो उसे और भी सबक सिखाने का सोचा था। ये वही लड़की थी क्या कल के मामले की वजह? हाँ सही कहा आपने, ये यहाँ के कानून चाचा है, इतना बिंदास बैठे हैं, बोलोगे तो ये अपने जोसफ के दादाजी है। नमस्ते। आप बैठिए, मैं इन्हें ले जाकर एनी मैडम से मुलाकात करवा देता। अरे तुम इधर आ जाओ, कल आते वक्त थोड़ा माल लेकर आना, कल मैं फ्री हूँ। समझ गया, आपको नशे में झूमना है ना, उस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए, इसे अंदर ले जाकर आता हूँ, तब तक इसे रखिए। अरे जा रहे नलाक कहीं के, इसका हमेशा ऐसा ही है, हमेशा मस्ती करता रहता है जब देखो। अरे बस बस, अरे मैं इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। अरे खाना खाने वक्त तो उसे साइड में रखना चाहिए ना। ओह सॉरी दीदी, आगे से ख्याल रखूंगी। मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ। क्या हो गया वहाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंखों में आंखें डालकर बात करो। यूनिफॉर्म में पुलिस वाले को मारना, हमेशा 2-3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, वैसे तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो क्या है, इस बच्चे के ऊपर हमला किया उसने। हर सवाल का कुछ ना कुछ बहाना बनाओ। सुनिए, वैसे अभी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वासु तुम खाना खा लो। मैं वहाँ से खा लूंगा। वैसे ये अनीता है और ये एनिमल मैडम है। अरे, क्या कहा? अरे एनी मैडम के ऑफिस में काम करने के लिए नया स्टाफ। हम आपस में एक दूसरे को जान लेंगे। जाओ बुलावा आ गया, बाकी का काम जाकर पूरा करो। तुम खाओ, जब भी यहाँ आता हूँ मेरी टांग खींचने में लगे रहते हैं। क्या हुआ जी? यहाँ बैठो। मैं? हाँ। दस बीस सालों से कड़ी मेहनत करके जिंदगी जी रहा था मेरा दोस्त। अगर 50 रुपए भी उसके हाथ में आ जाते थे तो उसे छुट्टा नहीं कराता था कि कहीं खर्च ना हो जाए, इसीलिए पानी पीकर ही सो जाता था। ऐसा था मेरा दोस्त शकाल जोसेफ थॉमस, जो मैं आज इस तरह की जिंदगी जी रहा हूं, ये सब उसी की वजह से है। ये लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन मैं पूरी तरह से जानता हूं। इन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूं, इन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया। सुनो वासु, अगर मैं तुम्हें मार्केट का रास्ता छोड़कर इस घर में हमारे साथ आकर रहने के लिए कहूंगा तो तुम नहीं मानोगे, ये मैं जानता हूं। तुम आओ चलेगा। सुनो, मैं जो बिजनेस करता हूं
मैं चाहता हूं कि उसमें से एक बिजनेस की जिम्मेदारी तुम अपने सर ले लो। हाँ मेरा तो कोई बेटा नहीं है, लेकिन एक बेटे के रूप में मैं तुम्हें देखता हूं। मैं जानता हूं आप इस परिवार में जितना प्यार किसी को नहीं करते वो आप मुझसे करते हो। ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप अपने दोस्त को लेकर इतना नरम हो रहे हो। मेरे सर पर पिता का साया नहीं है, ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ आज तक। चाहे कुछ भी हो, मेरा परिवार ना होकर भी आप लोग मुझे जो प्यार देते हैं उसके बाद मैं कभी अपने आप को अनाथ महसूस नहीं कर पाया आज तक। जिंदगी में कभी हार ना मानने वाले मेरे पिताजी अपनी बीवी को दांव पर लगाकर खुदकुशी कर ली उन दोनों ने। उन्होंने करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू किया। इस करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी को आगे ले जाने के लिए आप जैसे नेक इंसान ही काफी हैं। वासु को जीने के लिए इस जिंदगी में अकेले ही खड़े होना होगा। उसके साथ जबरदस्ती मत करो, वो जैसा चाहता है वैसा ही जीने दो उसे। थक जाने के बाद एक दिन वो खुद आएगा, तब तक उसे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दो। पैसे दो। हाँ? पैसे दो। किस लिए? ये लोड लाकर उतारा ना, 50 रुपए कुली है, 250 रुपए दे दो। 250 रुपए कैसे हुआ? अरे मजाक करने का टाइम नहीं है, सीधे से पैसे निकालो। अब तुम माधवी से ऐसे बात करेगा? उससे मजाक करना बंद करो। क्या कर लोगे तुम? मुझे मेरा पैसा दो। अरे क्या कर रही हो? पहले लुंगी नीचे करो। बच्चा कड़ी रमना के साथ जो तुम लड़ाई कर रही हो, मुझसे भिंडे का फल तुम्हें मिलेगा, अभी दिखाता हूँ। ये इधर आ दो, इधर आ दो। ठीक है नीचे करता हूँ। पैसे निकालो। अरे क्या हो रहा है माधवी, क्या प्रॉब्लम है? अरे हमसा भाई, थोड़े से करी पत्ता लाकर 250 रुपए कूली का मांग रहा है ये। इसका और इसके 3 बच्चे को मैं अकेले पालती हूँ, और फिर अभी तुमने कुछ नहीं दिया ना? अभी नहीं दे रही हूँ, पहले तू मेरे घर पहुँच। तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलोगी। ए तू जरा दूर हट के बात कर, इसने मेरे घर को धर्मशाला बना कर रखा है। अरे रमना सच बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बड़ा है रनीश कुमार, दूसरा है रनीश कुमार, तीसरा है फिनिश कुमार। बस फिनिश हो गया? अभी फिनिश नहीं हुआ। अमनी और अम्मा और मिला और वसी अमनी। अरे इतने सारे बच्चे मेरे कहां? अरे अभी अमनी पेट में है ना, वो भी बाकियों की तरह लाइन से आएगी। इसका मतलब ये रात को सोता ही नहीं है? अरे हमसा भाई, भगवान करे इसे थोड़ी नींद आ जाए। दिन में सोता है और रात भर औरत को परेशान करता है। कार की बातें मेरे मुंह से मत निकलो, इस बुड्ढी के साथ तो मैं बहुत परेशानी झेल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। अरे जा यहां से। ए रमना इधर आ, आज तुम्हारा तार के सेक्शन में काम है ना? नहीं नहीं, आचार भाई की दुकान का लोड लाया हूँ। लोड नहीं आया, ऐसा किसने कहा? वो क्या है ना, तार वाला भाई ने। तार वाला दुकान में मेहनत करके काम करना होगा ना, इससे नहीं होगा। मैं ना तुझे मार डालूंगा। अच्छा सुन, इधर वक्त बर्बाद करके शाम को उधर आएगा सर खुजलाते हुए, तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। जाकर कुछ काम धंधा कर ले। नहीं जाऊंगा, ऐसा आपसे किसने कहा? और वैसे आपके पास कुछ चिल्लर है? क्यों, चाय पीकर थोड़ा रेस्ट करके जाऊंगा। अरे हमसा भाई, ये चाय के नाम पे कुछ दूसरा चीज पी लेगा, इससे तो मैं ईंट से मारने वाली हूँ। अरे बुढ़ी तुझे तो मैं बताता हूँ, सबक सिखाऊंगा एक दिन। अरे जा रहे नालाय कहीं के, मरेगी तू बुढ़िया। दिमाग खराब करके छोड़ दिया। अपने दुकान वाले बाबा आपके बारे में पूछ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल गया था। Let's go.
कहाँ भाग रहा था? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। वर्दी पहनने वाले एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाता है। छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आज उस वासु को दिखाता हूँ पुलिस क्या होती है। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल चल यहाँ से। सर 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 मेरी बात। चल यहाँ, चल चल, ले चल इसे थाने, ले चल 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 थाने। मुझ पर हाथ उठाएगा, चल हट यहाँ से। भाग रहा था, कहाँ है तेरा लीडर? मेरी बात तो सुनो, बता कहाँ है तेरा लीडर? पुलिस वाले को मारता है, पुलिस वाले को। तू नहीं बताएगा तेरा लीडर कहाँ है? पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, तुम्हारा यूनियन लीडर कहाँ है? बता बता कहाँ है तुम्हारा यूनियन लीडर वासु? बता, बहुत ताकतवर समझता है वासु ना? तो अच्छा, तो तू वासु है क्या? हाँ वासु, सिर्फ वासु नहीं, छाला वासु। ये इधर देख, केरला पुलिस का निकला हुआ खून नहीं है, असल कड़ी मेहनत करके निकला हुआ खून है ये। वैसे सर, आपका स्वास्थ्य दिखाने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अरे आपने जिस इरादे के लिए छाला मार्केट में कदम रखा है, उस ख्वाहिश को हम पूरा करके दिखाएंगे। मेरे दोस्त जरा साइड में जाकर खड़े हो जा। सुन ले बेटा, जरा ठंडा हो जा। इससे भी बड़ा बड़ा मार्केट देखकर आया ये सीए चार्ज। तुम अपना खेल खेलते खेलते केरला पुलिस के सीने तक पहुंच गए हो ना? सुनो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। केरला पुलिस की यही एक परेशानी है, जेल तोड़कर जो भागा उसे पकड़े या ना पकड़े, लेकिन जो जेल नहीं देखा उसे जरूर पकड़ेंगे। पैर फिसलने से गिरकर मरने वाला सस्ते कोर्ट में हाजिर करके तब अपने मार्टिनी सर आराम करेंगे। सरकार बदल गई आपको पता नहीं है क्या? हम आरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं, समझे आप लोग? अरे इस तरह के लीडरगिरी मैंने बहुत देखी है, इसलिए तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। हाँ, आपको उठाकर अंडर डालेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तो हम ये काम करके दिखाते, क्या बोलते हो? हाँ, सही कहा। ये क्या है यार, वासु को जो भी मारने के लिए आता है वो खाकी वर्दी पहन के ही आता है। गांव वालों ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ वासु के जरिए ही इन लोगों को सबक सिखाने का है। जो होता होने दो, जो बुरा काम मैं करने जा रहा हूँ पुलिस वालों के साथ, उसके लिए भगवान मुझे माफ करना। ओए, हटो, छोड़ो मुझे। ये सब सीन तो होना ही था, यही बात थी ना? मारने के लिए मैं तैयार हूँ और मार खाकर मरने के लिए आप भी तैयार हो, इस तमाशा को देखने के लिए लोग भी तैयार हैं, इसलिए ये फैसला हम आपस में लेंगे, हम इसे रोकेंगे।
अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वाकई में ये मेहनत करने वालों की धरती है। इसके अंदर अगर तुम किसी को उठाने के लिए सोचोगे तो वो एक राई को समंदर में ढूंढने के जैसा काम है। सर, हमने जो यूनिफॉर्म पहना उसके कलर में फर्क है, लेकिन दिल एक है। सर्वराष्ट्र कामगार यूनियन है, हम आपस में एक है। उसे छोड़कर किसी के शर्ट को किसी आईजी ने पकड़ा तो आईजी के लिए एक ग्रुप और कांस्टेबल दूसरा ग्रुप में। वैसे तुमने जो खाकी वर्दी पहना है ना, वैसा वर्ग नहीं है हमारा। इसलिए किसी सुरमई मछली की तरह पड़े मत रहो सर, जल्दी उठो, परिसर बदबू मारने लगेगी। तो फिर जीता कौन यार? अब इन्हें क्या बताऊं? अरे मेरे प्यारे दादाजी, वो आदमी और मैं आपस में जब लड़ रहे थे, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, फिर उसने मुझे मारा और फिर मैंने उसको मारा, आखिर में वो आदमी हार गया और मैं जीत गया। अच्छा, जीत गए। मैं एक बात बताऊं क्या? हाँ? एक समय पर मैं थॉमस और रघु तुम्हारी तरह आप और थॉमस और बाकी लोग मिलकर मारपीट किए थे एक समय पर। हाँ? और आप हार गए थे और वो लोग जीत गए थे। चुप कर नालायक, उन लोगों को मार मार कर मैंने चमड़ी उधेड़ दी थी। दादाजी, गाना बजाओगे क्या? उसकी जरूरत नहीं है। यारे दादाजी, मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? मेरे माँ बाप ने आत्महत्या क्यों की? बताइए दादाजी, आपको पता है? बताइए, बताइए दादाजी। नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। लगता है पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। ए, जल्दी जल्दी गाड़ी चला। वो लोग हमारा ही पीछा कर रहे हैं। नीचे उतरो। मत मारो, 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 मारो इसे, सलामत, इसे मारो, इसे भी मारो, 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 मारो और मारो। एक एक को मारो, एक एक क्यों मारो, पकड़ के एक एक को मारो। चलो चलो चलो, जल्दी अंदर चलो, चलो चलो जल्दी। ए बाबू, मालिक कहाँ है? ऊपर है। चलो। मालिक, पुल्ली के लॉरी को पकड़ने की हिम्मत किसमें है रे? चेक पोस्ट पार करके हम लोग आगे जा रहे थे, उसके बाद में देखा तो। चेक पोस्ट पार करने के बाद हमने सोचा पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे लॉरी उन्होंने जब्त कर लिए। हमारे लॉरी को पकड़कर मारतांड गोडाउन में रख दिए, लेकिन बाद में देखा जाए तो। बेकार की बातें मत करो। अमर जैक्शन रियल जैक्शन के बीच में एक बड़ा स्क्वाड रखा है, लगता है फिर से मार्तंडम ने खेल शुरू किया है। हर हर महादेव। ये मुझे दीजिए, आप बैठिए ना भाई। नमस्ते जी। नमस्ते कलेक्टर साहब, अगर कोई काम है तो जल्दी बताइए, मैं बहुत बिजी हूँ। भाई, मैं और एसपी एमएलए सब मिलकर इस पर बात करने के लिए तैयार है क्या, इस मामले को सुलझाने के लिए? अरे 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 कलेक्टर, सिर्फ तुम बात करो, ये एमएलए सुधाकर कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मार्तंड, हम लोग इसलिए यहाँ आपस में मिलकर बात कर रहे हैं,
बेकार में झगड़ा करने के लिए नहीं। भाई के एक लोरी और ड्राइवर को आपके आदमियों ने पकड़ कर रखा है, उस मामले को हम आपस में आराम से बातचीत करके सुलझा लेंगे, इसलिए भाई भी इस मीटिंग के लिए राजी हो गए थे। अरे 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 क्या बात है भाई, भाई का नाम लेकर मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। वैसे कौन सी लॉरी, कौन सा ड्राइवर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज कोऑपरेट विद दिस। क्या कहा, क्या क्या क्या? हम आराम से बात करेंगे। ये हुई ना बात। इसका तमाशा दिखाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है क्या? ए चुप चुप, चुपचाप बैठे रहे। बैठो ना। आपके बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे इसका चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। तो चुप रह, माता छोड़ो, बात करते हैं। ये हुई ना बात। अब सुनो, लोड भी मेरे पास है और ड्राइवर राघवन भी मेरे पास ही है। MLA बॉर्डर के इस तरफ अगर एक भाई होगा तो बॉर्डर के दूसरी तरफ भी एक भाई होगा, यही है मारतंड। सही है भाई। बड़ा मारतंड। मैं केरला में एक वाइन शॉप नहीं खोल सकता हूँ क्या? केरला और तमिलनाडु में इनके कई दारू के ठेके हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारे परिसर में घुसकर राज करूंगा। याद रखना इस बात को। तू कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अरे तेरा बाप बेलादम, इसी उम्मीद को लेकर उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। कोलापल्ली को हराने के लिए इस बदनामन की धरती पर कई लोगों ने कोशिश की है, इसे पूरे गांव वालों ने देखा है। एक कलेक्टर, इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। इस बदनामन की धरती पर कोई कदम भी नहीं रख सकता है। होशियार रहना, तुमने कोलापल्ली से दुश्मनी ली है। वासु को बुलाओ। मैंने खा लिया, अपने राघवन ने नहीं खाया है, उसको दो। अरे ये राघवन को क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी में थोड़ी सी चोट लगी। हाँ, आइए, आ जाओ आ जाओ। वासु भैया, ये गुड़िया ठीक से कूद नहीं रही है। अच्छा, ये कूद नहीं रही है। इसके लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है, मैं दिखाता हूँ। ओम काली भद्रकाली दुर्गा देवी, जरा कूद के दिखाना। ये देखो कूद गई। ए वासु भाई, इसने अभी तक खाना नहीं खाया है। अच्छा? मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, आ जाओ चलो। ओ मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ तुझे दिखाऊं मैं क्या। उस काले गस्ती का वारिस जो है, कल अपने एसआई सलाम के साथ मिलकर उसने अपने सारे लड़कों को पकड़ लिया। उस एरिया में हमारा जो शॉप है वहाँ बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है। उसका क्या करना है उसे आप कीजिए मुगलिया। हाँ, वो मारतंडम और ये सब आपस में मिले जुले। ठीक है। वो लोग चुपके से अपना खेल शुरू कर रहे हैं और हम भी अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अपना काम निकालने के लिए दूसरे के पैर पे गिरना पड़ेगा क्या? अरे दूसरे का क्यों, वो तो आपका रिश्तेदार है ना वासु। अरे यार, उसे बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो। ये राघवन का मामला है इसीलिए। हाँ, आपने ठीक कहा। बेटा तुम जाकर खाना खा लो। दादा, दादाजी। हाँ, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे हम। अच्छा, अरे आपने जैसे याद किया मैं वैसे ही आ गया। सही कहा, इस परिवार के लिए तुम ऐसे ही हो। वासु, तुम्हें क्या हो गया है? बिजनेस में तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। अरे ऐसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है, ऐसा माधवी माँ बोलती है, इसलिए कुछ लोग मेरे ऐसे ही रहते हैं। अभी जो मेरे पास है उसे लेकर आप ही हो। ये लीजिए अपने बिजनेस की चाबी। राघवन भाई,
आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया, अपने ही बिरादरी का आईना। चलू क्या? नमस्कार। इधर दीजिए वासु, ये ले लो, इसे ले जाकर रख दो। अरे इसकी नींद नहीं खुली क्या अभी तक? वो चेटियार का लोड सब उतार दिया क्या? जो चार लोड आए हैं उसे उतार दिया है, बाकी लोड चेक पोस्ट पर पड़ा है। कमीशन देने पर ही गाड़ी छोड़ेंगे, इसलिए चेटियार का मैनेजर वहाँ गया है। बाकी का काम मैं नहीं जानता हूँ, और ये देखो ये ठीक से काम नहीं करता है। इसे देखो, उसी वजह से मैंने तुमसे पूछा था। ओ, इस बात को तुम कैसे जानोगे? अभी तुम्हें यूनियन का काम नहीं है ना, तुम किसी को भी गाड़ी दे दोगे? कोल्लापल्ली ने मुझे एक काम सौंपा है, उसे मैंने किया। कोल्लापल्ली? कोल्लापल्ली, तुम अच्छे से नहीं जानते हो क्या वो आदमी कौन है? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। कोल्लापल्ली ने मुझसे मदद मांगी है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, कोल्लापल्ली मुझे कभी ऐसा वो काम नहीं देंगे जो मैं नहीं कर सकता हूँ, समझे? ऊपर से उनके ड्राइवर को मारतंड के आदमी ने पकड़ के रखा है, इस बात को जब मैंने सुना। वासु, कोल्लापल्ली के हर काम को तुम नहीं जानते हो, कुछ बड़े राज छुपे होंगे। अच्छे बुरे कोल्लापल्ली के काम को हम ठीक से नहीं देख सकते। सुनिए काका। रहने दो, तुम्हारा मन मुझसे नहीं बदलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, वैसे आज शाम को यूनियन की मीटिंग है, राय साहब को बुलाकर मुझे वहाँ शामिल होना है। अगर वहाँ सुधाकर आया तो? देखो वासु, तुम्हें मारपीट करनी है तो वहाँ मत आना। सुनिए, आपकी उम्र का लिहाज करो, इसलिए बात कर रहा हूँ आराम से। वो हमारा साथ नहीं देंगे? आप उनका साथ दे रहे हो काम घर का तकलीफों के बारे में बात करने के लिए, हाँ कहकर। अरे मेरी बात क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, इधर आओ। क्या है? कमर से हाथ हटाओ। हम लोग इस तरह जो मीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई काम बनेगा। अरे भगवा कलर देखकर आज के जमाने में काम नहीं चलेगा। हम कामगार लोग एक साथ खड़े होंगे तभी हम हर मौके को पा सकते हैं। अरे सिर्फ मौके को पाने के लिए नहीं राजशेखर, कामगारों का जो लक्ष्य है। अरे लक्ष्य की बात करके आजकल हम किसी काम को जीत कर दिखा सकते हैं क्या? अरे राजशेखर सर, आप बेकार में दरपोकों की तरह इस तरह बात मत कीजिए। अरे जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बात क्यों कर रहे हो? अरे आ गया बड़ा बोलने वाला, चुप रहो। जब मार खाया तो राघवन का कुछ हक बनता है? ठीक है काफी है, इस तरीके से बात करो। सुनो, जो मर गए हैं उन कामगारों के परिवार वालों को मदद देने के लिए ही हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं। उस मामले में तो मुझे एतराज है। जब तक हम काम करते हैं तब तक पगार भी लेते हैं, और मरने के बाद हम उनके परिवार की मदद की बात कर रहे हैं। सुनिए, हम कामगार लोग जो आपको कमा कर दे रहे हैं उसी में से आप हमें दे रहे हो, है ना? अपनी घर की जायदाद तो नहीं दे रहे हो ना? अरे वासु। हाँ बोलिए, चलिए बताइए क्या करना। जैसे कोर्ट में बातों को खींचते हैं वैसे बातों को खींचो मत, जल्दी फैसला करो, हम लोग और भी काम है। लगता है जल्दी जाकर पत्ते खेलने। अरे मैं पत्ते तेरे घर पे आके थोड़ी ना खेल रहा हूँ, मेरी टांग मत खींच। अरे जरा रुको, मैं बोल रहा हूँ ना। राजशेखर, जो कामगार लोग काम कर रहे हैं उस काम की शुरुआत हमने नहीं की है, पुराने जमाने से ये सब चलता आ रहा है, इसके लिए कुछ रूल्स है, नियम है। रूल्स को अब तो थोड़ा बदल दो, ऐसा मेरी राय है। राजशेखर, अभी जो तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे शब्द हैं या फिर? अगर मेरे शब्द स्वीकार नहीं किए गए तो मेरा यूनियन देख लेगा। राजशेखर, ये तुम्हारे यूनियन का शब्द हो सकता है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी जो फैसला लेगी वही मेरा फैसला होगा। तुम लोगों ने जो चालाकी से रूल्स बनाकर रखे हैं वो पुराने जमाने के साथ खत्म हो गए। अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो तुम्हारी पार्टी भी नहीं बचेगी, यूनियन भी नहीं टिकेगा। वासु, कामगारों के बारे में बात करने वाला तू कौन होता है बे? ये हाथ का पंजा देख रहा है ना? ये कामगार मेहनत करके एकजुट हुए हैं, ये कामगार वर्ग है, याद रखना मेरी बात को। तुम जैसे हरामखोरों को हम सब बीच सड़क पर खींच कर लात मार कर तुम लोग का नामो निशान मिटा देंगे, इसे सिर्फ हाथ मत समझना, समझा क्या तू? वासु, वासु, ये तुम क्या कर रहे हो? इसमें मत आइए। वासु, जाओ यहाँ से। इसमें मत आइए। जाओ, इसे ले जाओ, ले जाओ इसे बाहर। राजशेखर, ये कामगारों का जो वर्ग है ना, वो एक आग है, भले तुम इसे ढक कर रखो वो अंदर से जलता ही रहेगा। हाँ हम लोग ज्योति के घर पर आए हैं, अरे आ जाओ। अरे तुम लोग कब आए? अरे चलो चलो अंदर चलो। अरे बाप रे, तुम लोग कब आए बेटा? अरे आवाज सुनकर मुझे लगा मार्टिन हो सकता है, शर्ट देखने के बाद पता चला मार्टिन नहीं है। ये शर्ट पहनकर पुलिस या आर्मी नहीं आती है। अरे वो तो हम जानते हैं,
तुम पुलिस की ड्रेस नहीं पहन सकते, हम जानते हैं। हाँ, यस्टरडी बूथ भी यही थी क्या? वासु, माँ कुछ खाने के लिए है क्या? है ना बेटा। अरे सुधा, तू इस तरह से खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जा रसोई में। जाती हूँ ना माँ। अरे तुम लोग बातें करो, माधवी माँ आप खाना तैयार करो। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। ये जो 35 एकड़ की जमीन है, इस पर हाईवे बनने जा रहा है, और हम लोग इस जमीन पर एक हॉस्पिटल बनाने की भी सोच रहे हैं। और अगर कभी कभार पढ़ो इसे अच्छे से पढ़ो, देखो वो लोग हमारी जायदाद हड़पने के लिए क्या चाल चल रहे हैं। जरा इस अखबार को अच्छे से पढ़ो, ये महल हमारे यहाँ से निकल जाएगा, सरकार हमसे छीन लेगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे अखबार में एक बार नाम छप गया तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो छपा था ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? हा? अरे सुधाकर, उस न्यूज को ठीक से पढ़ो। अरे वो टीचर आने वाला है। क्या टीचर? टीचर टीचर पढ़ो ठीक से। टीचर, अब तो लगता है कि सारे प्लान पर पानी फिरने वाला है। मुझे तो लगता है ये रिपोर्ट जोसेफ थॉमस की वजह से दिया गया होगा। अरे इस तरह से चाय पी के टाइम पास मत करो, कोई रास्ता निकालो। रास्ता मैं बताता हूँ, आगे से इस तरह के डील की बातों को लेकर इस बदनामन की धरती पे कदम मत रखना। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? इनलीगल महल का नाम लेकर इस बदनामन की धरती पर कदम मत रखना। ये बोलने वाला तू कौन होता है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे तुम्हें जो खाना है खा लेना, चलो निकलो यहाँ से। अरे इस महल के पीछे हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पैसे को लेकर ही हम वापस लौटेंगे। निकल यहाँ से। इसमें कोई भी आया तो मैं उसकी लाश निकालूंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको अभी बताता हूँ, आप चलिए यहाँ से। हाजी भाई, अगर वो कोला पल्ली है तो मैं भी बाबू कोटी हूँ, बाबू कोटी हाजी। चाहे वो इस एरिया का किंग हो चाहे कुछ हो, मैं इस पूरी दुनिया का राजा हूँ। अरे गुरुजी, प्लीज जरा मेरी बात सुनिए। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बाबू कोटी बोलेगा तुमको सिर्फ सुनना है। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास एक दो आदमी है, इतनी आसानी से हम उन्हें रास्ते से हटा नहीं सकते। सिर्फ पैसा ही उसका सपोर्ट नहीं है, उसके भाई का नाम उठाने वाले कुछ कामगार लोग भी हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? हाजी भाई प्लीज, इनकी बातों में कुछ मतलब है। हैं? तुम लोग मेरा दिमाग मत खाओ। तुम लोग अरे हाजी भाई पहले मेरी बात सुनो। इस महल के काम में टांग अड़ाने वाला जोसेफ थॉमस है, इसलिए उसके साथ डील करने के काम में ये कोलापल्ली साथ नहीं देता है। इसका मतलब मैंने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसको भूल जाऊं और ये लोग मजा मारे। अरे वैसे यहाँ किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। जोसेफ थॉमस की दुश्मनी मोड़नी है तो इस भाई साहब को बीच में रखना होगा। अगर मुझे यहाँ दबा के बारे में बोलेंगे तो आगे मुझे बात समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ आपके और हमारे बीच में एक सीक्रेट प्लान बनाना होगा, तो हमारा काम अपने आप ही हो जाएगा। वैसे तुमने क्या सोच रखा है? अरे कई सालों से यहाँ अपना कदम रखकर राय बनाने की सोच रहा है ना, उसी आदमी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, आप समझ गए ना? अरे तुम लोग इस तरह की बात मत करो, मामले को साफ साफ बताओ। अरे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो? आइए आइए हाजी भाई, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मातण, उस कोलापल्ली की परेशानी ज्यादा ही बढ़ रही है। सच कहूँ तो आपस में लड़के हम थक चुके हैं, अगर हम कोलापल्ली के खिलाफ किसे उतारे मिलकर सोचे तो। अरे तुम लोग चुप रहो, जब देखो कोलापल्ली कोलापल्ली। अरे हाजी भाई ऐसा नहीं है, वो मातरम ने जो कहा वो ठीक ही कहा है, हर बार उस कोलापल्ली के खिलाफ जाकर हार जाते हैं। मैं अपने बच्चों का दर्द महसूस कर सकता हूँ, उस कोलापल्ली के सामने जाकर उसे हराना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मैंने दूसरी सेटिंग की है।
आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? हमारी प्रॉब्लम जोसेफ थॉमस है और तुम्हारी परेशानी कोलापल्ली है। लेकिन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। पुरानी दुश्मनी को लेकर बस आपस में ये लोग बात नहीं करते हैं। ये जोसेफ के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए ये कोलापल्ली मानेगा नहीं। मुर्गन मुझे बचाओ। एमएलए सर, ये अगर एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो? समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा मतलब, उस जोसेफ थॉमस ने कोलापल्ली का अगर खून कर दिया तो भरोसा नहीं हो रहा है ना? क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, जो कल तक कोलापल्ली के घर में हिफाजत करे थे एमएलए एमपी, वो आज कहाँ खड़े हैं? अगर ये देखा जाए तो काफी है। अरे आप क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। इधर आओ हाजी भाई, मेरी बात सुनिए हाजी भाई। सिर्फ महल के बारे में चर्चा करने के लिए जोसेफ और कोलापल्ली फेस टू फेस एक दूसरे से मिलेंगे तो काफी है, बाकी का काम ये मारतंड देख लेगा। हाँ तो उसे बुला लूं क्या? उसे बुलाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। बोलिए भाई, तुम अंदर आओ। हाँ तुम यहां किस लिए आए हो? थक गया हूं, न चाहते हुए भी कुछ चीजों को मजबूर होकर भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। तुमने सामने से मिलने की ख्वाहिश रखी थी, तभी मैंने सोचा था। जरा सोच लो, अगर महल के बारे में चर्चा करना चाहते हो तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे। जोसेफ, वो क्या है? नो no! एक दोस्त को जान से मार दिया, कोई भी झूठा सपना देखने को कह दो उन्हें। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इस गांव की कल्चर को, इस हवाले के पैसों को डुबोने के लिए जो भेड़िए इस समय घूम रहे हैं, उन भेड़ियों के बीच में मैं तड़प रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ, किसी को कुछ भी कहने दो, लेकिन बाबा जी की मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है, इस सच को ये जोसेफ अच्छी तरह से जानता है। अरे जरा मेरी बात तो सुनो जोसेफ। क्या टाइमिंग है, 20 मिनट भी नहीं हुए, करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के जोसेफ थॉमस के खून करने वाले को केरला पुलिस के तहकीकात करने की नौबत आ गई है ना। अरे देखो सर, मैंने फोन पर आपको अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है। अरे आप डरो मत सर, देखो ये सबूत मुझे दे दो सर। अरे उठाओ इन्हें, ले जाओ। का खून किया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनको मीटिंग के लिए नहीं भेजती थी। मुझे क्या पता था कि वो लोग इस तरीके से उन्हें मार देंगे। तुम्हारा बाप करुणा, हमसा और गोविंद, और साथ मेरा जोसेफ,
इन सबको रास्ता दिखाने वाला करुणा ही था। वो केवल मालिक ही नहीं सभी मजदूरों से भी अच्छा बर्ताव करता था। इस कामकाज को शुरू करने के लिए जोसेफ और करुणा मिलकर छोटा मोटा धंधा करने लग गए थे। इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं बना और उनके पास पैसा जमा नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन संभा तालाब के बीच में एक आदमी का पैर फिसल गया था। इन लोगों ने अपने खर्चे से उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका जीवन सुधारने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। ये कामगारों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मगर इनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से इन्होंने यूनियन बनाई। लेकिन तभी कुछ लोग करुणा को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी वहां के हालात देखकर कामगार लोग और माले के लोग जितना हो सका उतना उन लोगों ने आर्थिक पैसे का इंतजाम करके करुणा को दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये सब लोग अलग हो गए, पूरा यूनियन अलग हो गया। बाबा के तरफ से 450 रुपए, मनी स्टोर के दिवाकर ने 600 रुपए, 250 रुपए, आर मोहन चेटियार 2500, चेटियार 2500, आसिन मल्लिक ने 2000 रुपए दिए और महादेवी 150 रुपए। अरे 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 जोसेफ भाई, अरे भाई इसे मत लिखिएगा। जो भी हो पैसे जिसने भी दिए हैं उन पैसों का आप हिसाब रखिए, क्योंकि पैसा दोगुना देना चाहिए ना, क्योंकि लोग हम पर विश्वास करते हैं ना। तुम ठीक बोले करुणा, इन बेचारों ने अगर मदद की है तो इनको वापस लौटाना भी जरूरी है। हाँ सुनो सुलोचना, हाँ इन पैसों को संभाल कर रखो। अरे सुनो उस टेबल पर रख दो। अरे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पैसा है ये सब लोग जानते हैं, तुम्हें संभाल कर रखना होगा। यहाँ पैसा है ये सब लोग जानते हैं, ये पैसा कहाँ से आया है ये भी सब लोग जानते हैं। जो अच्छे इंसान है उनकी इस पर नजर नहीं रहेगी। क्यों भाई साहब हमेशा कपट की नजर से ही देखते हो। नहीं मैं बस, अरे सुलोचना वो पैसे लेकर आओ। तो फिर हम जाते हैं, ये महीने का आखिरी दिन है, वहाँ बहुत भीड़भाड़ होती है। अरे सुलोचना जल्दी आओ, लेट हो रहा है। हे भगवान, जोसेफ भाई पैसे अंदर से गायब हो गए। अरे अच्छे से जाकर देखो, मिलेगा। तुमने ठीक से देखा क्या? मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं। अरे करुणा, 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 उठिए उठिए, क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया आपको? अरे करुणा, अरे करुणा, डॉक्टर को बुलाओ। अरे करुणा उठो, क्या हो गया करुणा? अरे ताना मारे, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसका एक छाट मार्केट साथ देगा, और वैसे ये अकेलेपन में नहीं जिएगा। इसका सहारा लेने के लिए जोसेफ है, माधवी है, राजशेखर है, इसे बहुत प्यार मिलेगा। अरे कोलापल्ली ने हमारे साथ गद्दारी की। Ha!
मत भाई। फिलहाल मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। दादाजी दादाजी कुछ भी कहो वासु। हाँ वासु, यूं जिंदगी में अनाथ बनकर माँ बाप को छोड़कर अकेले पड़ गया हूँ। ऐसा लोगों के कहने के बावजूद भी वासु आ रहा नहीं है। तुमने मेरे साथ गद्दारी की ना। पिताजी के दोस्त हैं ऐसा कहकर तुम किसी को मारने के लिए बोलोगे, भेजने के लिए बोलोगे। इन सब में तुम्हारा साथ दिया ना मैंने, क्योंकि ऐसा आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। पैसे देके इस साम्राज्य को अपने कदमों में डालकर खुशी मना रहे हो ना। निगरबान में जाकर देखो, मुझे अनाथ बनाकर बीच सड़कों पे छोड़ दिया ना, इसलिए भगवान ने तुम्हें ये सजा दी है। बेकार की तुम्हारी जिंदगी और अनाथ रहने वाले बच्चे, ज्यादा खुशी मत बनाना कोलो पल्ले। अरे पिताजी के खून के सरिये, जो तुमने करोड़ों की संपत्ति बनाई है वो मुझे नहीं चाहिए, समझे क्या? वो सब करुणा के बेटे ने तुम्हें दान में दे दिया। एक बात याद रखना, अगर वासु के सामने आए ना तुम, तो काट के जिंदा कर दूंगा, समझ गया? मारतंड से दुश्मनी मोल ली थी ना, अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सॉरी भाई, गुरु दक्षिणा आपको कैसे दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हमें माफ कीजिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था भाई। बोला पुल्ली, जिस दिन बात किया था ना बॉर्डर की, उसी दिन मुझे पता चल गया था यही अंजाम होना है। अरे वहां बैठा है, देखो। जिस दिन इसका मेरा यहाँ झगड़ा शुरू हुआ था उसी जगह पर इसे अरेस्ट करने की खुशी मिल रही है। इसे इतनी इज्जत देना जरूरी है क्या? अरे बाप रे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चाला मार्केट का बासु रो रहे क्या? कुछ भी कहो, का देखने का जो ढंग है ना वो देखने के लायक है। अरे क्यों बेकार में जिद करके खड़े हो, चलो जाएंगे ना वास। ए, क्या बात है बताओ। अरे क्यों भाई बासु, क्यों बच्चों की तरह जिद पर अड़े हो? ऐसे बात मत घुमाओ, क्या बात है वो बताओ। क्या बात बताऊं, कोलापल्ली के घर में घुसकर उन्हें मारने के बाद दीवार फांदकर तुम बचकर निकल गए हो, इस बात को केरला की पुलिस जान चुकी है। देखो ये है हथकड़ी, यहाँ है वारंट, यहाँ पुलिस खड़ी है। अगर अभी भी तुम जिद करोगे तो चलो चलो। अरे चलो ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया मैंने। चल चल पकड़ इसे, लेके चल इसे। अरे छोड़ मुझे। क्या हो रहा है ये, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं आता हमसे जी। इसने कोलापल्ली जी के चाकू से खून कर दिया है। ये झूठा आरोप मत लगाओ। तुम लोगों की यही परेशानी है, सारे सबूतों के साथ में यहाँ पे हूँ। जिसने इसे देखा उसने सीधे गवाही दे दी। अगर आपको देखना है तो इसके खिलाफ मेरे पास वारंट है, आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल वारंट ही है, देख रहे हैं आप? ये सब झूठ है, सब साजिश है। ये केरला पुलिस के बीच में टांग अड़ाने की सोचना भी मत, ले चलो इसे। ये सब साजिश है, मैंने कहा बीच में मत आओ। चलो चलो ले चलो इसे। कुछ नहीं किया, चलो चलो हटो यहां से, कुछ नहीं किया, जाने दो, चलो चलो हट। अरे इसकी फोटो फ्रंट पर छापना, समझे, ताकि दुनिया को पता चले कौन है वासु। आ बेटा चल चल, इधर खड़े रहा, चल अंदर, चल अंदर। हाँ ये रहा, देख देख, इसी से कत्ल किया ना? नहीं नहीं मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहा है, सच बोल, बता सच, सच बता, बोल रहा सच बता, सच सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया। ये क्या है, ये देख रहा है क्या है? मैंने नहीं किया,
सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने ही तो फिर ये क्या है? छोड़िए सर, ऐसे मत छोड़िएगा। बता, सच सच बता, बोल रहा सच बताओ, ये क्या छाला मार्केट का वासु हूँ बोलने का घमंड है ना तुझे? सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी भी नहीं बता रहे, बहुत मासूम बन रहा है ना? सर ऐसा नहीं है सर, सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल तुझे हवालात में दिखाता हूँ, चल हवालात का हवा खिलाता हूँ, चल बेटा। अरे कैसा गेम खेला आपने, आज वाकई में हम लोग जीत गए, मानना पड़ेगा सबको। इसने मेरे करोड़ों रुपए अंदर फंसाए ना, ऊपर वाला सब जानता है। अभी आप मान रहे हो ना, मैं कई बार उसे भाई भाई नाम से पुकार कर उसके साथ घूम रहा था, दिल से नहीं, सिर्फ मौके का फायदा उठाने के लिए। हमारे बीच दोस्ती को बढ़ावा देने वाला वही इंसान था, लेकिन उसे माफ कर देने का यही एक रास्ता था। अरे उस कोलापल्ली से इतनी दुश्मनी है, ये अभी पता चल रहा है, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। अरे उसके लिए बरोबर छाला वासु को जाल में फंसाया, ये मुझे बहुत पसंद आया। बहुत खुश नजर आ रहे हो, अब तक खुशी का माहौल खत्म नहीं हुआ क्या? ये बहुत खुशी की बात है, तुम नहीं जानते हो। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिल को सुकून मिल रहा है। अभी आगे इन लोगों का जो भी राज है, आगे हमको जीत मिलेगी, इनके साथ मिलकर मौज मस्ती करेंगे। आने वाली 15 तारीख का कई सालों से इंतजार कर रहा था ये मार्तंड, मेरे पिताजी का सपना आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। मेरे बाप को जिसने मरवाया था उस धरती पे कदम रखने जा रहा है ये। समझो तुमने रख दिया, ये सही बात है। वासु, मैं यहाँ वासु से मिलने के लिए नहीं आया हूँ। नुकसान मैं अभी भी देख रहा हूँ, बचपन से मेरे माँ बाप जो सब्जी भाई मानने वाले कोलापल्ली को, सच कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा, उन्हें मारने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मार्केट में साय की तरह तुम मेरे साथ रहा करते थे, तब मैं अपने जमीर को देखा करता था। मेरे दोस्त की जिंदगी के साथ जिसने खिलवाड़ किया है ना, वो लोग बाहर सीना तान कर खुलेआम घूम रहे हैं, तुम्हें इन चार दीवारों के बीच में नहीं रहना है। बेटा तुम्हें निर्दोष साबित करना होगा, जोसेफ के साथ जिसने भी ये काम किया है, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी ये साजिश रची है बेटा, वो जोसेफ को भी उसी ने मारा है, उसी ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। मेरे बेटे जोसेफ के लिए भी तुम्हें बदला लेना होगा, तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना। वासु, ये है एडवोकेट अब्राहम। हेलो। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे बेल कराने का इंतजाम करता हूँ। वासु, कोलापल्ली के मौत के पीछे एक राज है, हाजी भाई के साथ मिलकर जिन लोगों ने साजिश की है ना, मार्तंड ही है जो इन सबका साथ दे रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये संभव हो सकता है तिरुवनंतपुरम पर वो ही राज करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें इसमें भाग लेना होगा वासु, वो कौन है देख रहे हो क्या? कोलापल्ली के बाकी धंधे में साथ देने वाला रामराज मुगलियार है ये। अब आगे क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें अभी जरूरत है पैसों की, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। वासु तुम आगे कुछ मत सोचना, उसके लिए वक्त भी नहीं है, तुम्हें हथियार और पैसे दोनों मिल जाएंगे, तैयार हो जाओ एक बड़े युद्ध के लिए। Give me that fan. अटन तलवा के पास DC 97 सर्वे नंबर उस जमीन की बोली लगाई है, 2,10,00,000 रुपए। 2,80,00,000 2,80,00,000 2,85,00,000 2,90,00,000 2,95,00,000 3,00,00,000 ये लोग नाम के लिए कर रहे हैं, वक्त की भी कमी है, और इस नीलामी के लिए
और इस नीलामी के लिए करुणा ग्रुप के आदमियों को भी उतारे हुए हैं। 3.5 करोड़। ऐसे सर, पैसे के मामले में आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी। कैश रखा हूँ मैं, इस बक्से में है। बाकी पैसे का जो मामला है वो करुणा ग्रुप संभाल लेगा। ये लाइसेंस करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर करते हैं। हम हार गए, हमारे हाथ से निकल गया भाई। बाकी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी की तरफ से कौन आए? नमस्कार जी, यहाँ साइन करिए। नहीं सर जी, वासु साइन नहीं कर सकता। वजह क्या है कि मेरे ऊपर खून का इल्जाम है। इस केस की वजह से क्या है कि कानून कानून के रास्ते और वासु वास्तु के रास्ते ही जाना ठीक रहेगा ना। साइन करने का काम ये लोग देख लेंगे, आप ऐसा मत सोचो ना, ज्यादा इनकार के लिए नहीं। रुको रुको भाई, रुको भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। भाई भाई, ए, भाई सुन ले, किसको लात मारी तूने? तूने मुझे लात मारी तूने? ए 24 घंटे के अंदर तेरा कीमा नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी मारतंड नहीं, देख लेना कमीने। क्या कर लेगा रे तू मारतंड, जो कुछ भी करने की क्षमता रखी है ना तूने, लेकिन तू एक बात भूल गया है। चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन इस बदनाम धरती से एक मिट्टी भी नहीं खरीद सकते हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्या? ए, मैं बदनामन की धरती और उसके साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। अरे सुन मारतंड, एक जमाने में तेरे पिताजी यहाँ आकर शादी किए, उसके जरिए तुम पैदा हो गए, और उसका सपना पूरा करने के लिए तुम यहाँ आकर इस बदनामन धरती की मिट्टी खरीदने की जो तुम सोच रहे हो ना, वो पूरा होने वाला नहीं है। ऊपर से गांव वाले नहीं चाहते उस राष्ट्रद्रोह को, लोगों के साथ तुम दोस्ती करके इस वासु को मिटाने के लिए तुम्हारे ये 5 फीट काफी नहीं है। उसे पूरा करने के लिए अच्छे बाप की औलाद होना चाहिए। अबे ऐसा घूर घूर के देख मत, समझा? अरे बेवकूफ कहीं के, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ए चिल्ला मत, श्री बदनामन की इस धरती पर जब एक बाप की औलाद नहीं होगा तब ये वासु गाड़ी भेजेगा मारतांड के उस पार, तब मारतांड तुम इस पार आ जाओगे, चलेगा? अरे बेकार में टेंशन मत लीजिए, वासु थोड़ा गुस्से में है इसलिए इस तरह का माहौल हो गया, वैसे हम लोग ने कुछ बोला ही नहीं। ए, तुम चुप रहो, कुछ बोलोगे ना तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। क्या बात है, तुम लोग बहुत बड़े हीरो हो क्या? ए, इस नीलामी में वो कमबख्त वासु भाग ले रहा है, ये बात क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? क्यों नहीं पता चला? अरे सुनिए सुनिए, जेल से निकलकर सीधा छाला मार्केट जाने के बजाय सीधे नीलामी की जगह पहुंचेगा, ये कौन जानता था? लेकिन जो खोया है उसे पाने के लिए वो भगवान भी हमें साथ देगा। किसने कहा ये? उसके साथ कौन रहता है पता है क्या? उस कोलापल्ली का जो ब्रेन है वो है रामराज मुदलियार, वो उसके साथ है। अरे बाप रे, तुम लोगों के भरोसे मैं ये क्या करने जा रहा था? भाई, इसके लिए हम लोग मिलकर एक रास्ता निकालेंगे। कुछ भी कहो, वो जेल से अभी बाहर निकला है ना, लेकिन पूरी तरह से जेल से बाहर निकलने दो, हम किसी भी हाल में उसे अपने जाल में फंसा कर खत्म कर देंगे मालिक। हाँ हाँ, उसे मारूंगा,
और वो ऊपर चला जाएगा। हाँ। अब बातें करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अभी के हालात के मुताबिक हम इस कंपनी के चेयरमैन हनी जोसेफ को बनाएंगे। चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर फर्ज निभाने के लिए, चाहे कुछ भी कहो, उसका साथ देने के लिए सबको खड़ा रहना होगा। छाला मार्केट में जिसने अब तक साथ दिया है, भले ही वो चेयरमैन की कुर्सी पर ना बैठा हो, वो करुणा का बेटा, फिर भी कंपनी का सारा फैसला वही लेगा। वो है वासु। चेयरमैन भले ही हनी हो, लेकिन फैसला जो है वो वासु ही लेगा। वासु के कहने पर ही ये कंपनी चलेगी। अरे आ जाओ, चलो चलो। अरे वासु आ जाओ, अरे आओ ना, अरे आ जाओ ना, अरे आ जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ पर सब लोग कोट पैंट पहन कर आए हैं, इस बीच मेरी परेशानी बढ़ी आएगी। और अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस चलो। अरे चलो ना वासु भाई, बात मानो, ये मुझसे नहीं होगा। मैं चलो चलो, आओ नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे अरे चलो, आओ, शर्माओ मत, आओ आओ। नहीं, चलो चलो चलो। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज प्लीज। करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी की नई चेयरमैन मिस एनी जोसेफ को मेरी तरफ से और इस कंपनी की तरफ से स्वागत करते हैं। थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को एक नए आदमी से मुलाकात करवाने वाली हूँ। आओ वासु, आओ। ये है वासु, अपकमिंग कैप्टन। स्टॉप। चाला मार्केट में कूली का काम करने वाले इस वासु को इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुन साले गटर के कीड़े, चाला मार्केट में तू कूली का काम करता है ये सबको पता है। तेरे माँ बाप को मदद करने के लिए मेरे माँ बाप ने दुकान खोल कर दिया है। इस तरह से वासु से मुलाकात करने के लिए कई वासु यहाँ से निकल कर आएंगे। मरा हुआ लाश है तू, ये मरा हुआ लाश है, लाश है। एलेक्स, ऐसे चिल्लाओ मत, उसके बारे में बोलूंगा तो तुम गुस्सा करोगी। एलेक्स ऐसा मत करो प्लीज। रहने दो, एलेक्स सर एकदम सही तो बोल रहा है, ये वासु सिर्फ मार्केट का कूली है। सही कहा उसने, ये कपड़े जो मैंने पहने हैं वो भी अनी ने मुझे खरीद के दिए। जिंदगी में कुछ तकलीफें उठाकर आगे बढ़ने की सोच रहा था मैं, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। ये मेरी परेशानी है, कब कहाँ जाना है ये वासु नहीं जानता है। मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें। अरे चुप कर, निकल यहाँ से। दोस्त का नाम लेकर जिस घर में तीन लड़कियां हैं उस घर में जबरदस्ती घुसकर इसका रवैया देखो। अभी जो तुमने कहा, अगर एक लोड मैं तुम पर उतार दो तो उसको वापस उतारने के लिए तुम्हें कुंडों का सहारा लेना पड़ेगा। चलो क्या ना लायक कहीं के बास्टर्ड। अरे खून निकालकर मारने वाले को मैंने देखा है, लेकिन एक मार पड़ने से इस तरह मरने वाले को पहली बार देख रहा हूँ, समझा क्या? अरे सुना ले, अभी जो तूने बाप के खिलाफ ऊट पटांग शब्द इस्तेमाल किए, उसे एक बाप की औलाद ये वासु समझ सकता है। इसका मतलब उसने करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी में कदम रख दिया है। बैठो बैठो। मार्केट में काम करने वाले लोगों का रवैया और त्रिवंदम के लोगों का साथ देना, वो काम सब मार्तंड संभाल लेगा।
अभी क्या हुआ? मारतंड को लात मार के वो करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी तक पहुंच गया। अरे अरे उसे पहुंचना है, उसे पहुंचने दो गुरुजी। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तब कोलापल्ली के खून के सिलसिले में अपना एमएलए उसे काबू में लाएगा विद पॉलिटिकल सपोर्ट। हाँ। अरे सुधाकर, पहले जो दुबई कंपनी के साथ डील हुई थी ना, वो उसकी बेटी वहां जाकर साइन करने वाली है, ऐसा लोगों का कहना है। अरे उस प्लान का सफाया करने के लिए ही उस भगवान ने एलेक्स को हमारे पास भेजा है। परसों वो लोग एग्रीमेंट तय करेंगे। अरे उस दिन तू सबके सामने साइन करने जाएगा तो वो जोसेफ की बेटी एनी होगी, क्या बोलते हो? आओ आओ, अरे हम चाइनीज रेस्टोरेंट जाएंगे, चलो चलो। क्या बात है, बाबू भाई को देखकर खड़े हो आप लोग को यहाँ क्या काम है? इस सवाल को मैं बताता हूँ, वो सब छोड़ो, पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। परसों तुम दुबई के एक कंपनी के साथ डील करने वाली हो, ये बात मैं जानता हूँ। उस धंधे में मेरा एक अच्छा व्यवहार, इसलिए बेटी तुम उस डील को छोड़ दो। हाँ, इसका मतलब ये धमकी है? जो सबके खून में यही प्रॉब्लम, कुछ अच्छी बात बोलने पर मानते ही नहीं। मतलब मेरे पिता को मारकर मुझे भी आप उसी तरह से रास्ते से हटाएंगे, ऐसा सोचिए मत। इस इलीगल महल को इन्हीं जोसेफ के नाम पर रजिस्टर करवाऊंगी, जब मैं चाहूँ तब ये काम करवा सकती हूँ। तुमसे जो हो सके वो तुम करके दिखाओ। छोड़ो छोड़ो, मैं बोल रही हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कैसा लगा मेरा यहाँ आना इस बाबू कुट्टी को? इस बाबू कुट्टी के नाम को जब मैंने सुना था, मुझे लगा वो बहुत बड़ा इंसान हो सकता है, लेकिन इस तरह लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो, धमकी देते हो। उस दिन महल के सामने उन गुंडे लोग को भेजकर तूने अपनी औकात तो दिखा ही दी थी भाई। अरे हम मसेरा ही है, मल्लापार से लेकर त्रिवेंद्रम तक बाबू कुट्टी हमेशा मसेरा ही है। चार पांच दारू की दुकान खोल कर इसलिए तुम मसेरा को हटाने की मत सोचो। इस तरह से मत करो हाजी भाई, तुमने अभी हाथ रखने की जो कोशिश की वो वासु के बिरादरी के एक गोद में पैदा नहीं हुए वैसे बहन के साथ। आम तौर पर वासु जब हिसाब किताब करता है चेहरा बिगाड़ता है, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ। बदले में जो कल डील होने वाली है उसे हाजी भाई आप भी भूल जाइए। हे जीसस, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, वैसा कुछ तो हुआ नहीं है ना? वो तो सही है, लेकिन जो हुआ था उसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सही वक्त पर वासु भाई नहीं आए होते तो? तुम लोग जरा चुप रहो। अच्छा, ऐसा कुछ होगा इसलिए मैंने इस डील के लिए मना किया। अंकल, इस डील को वाकई में करना है, ऐसा कौन जबरदस्ती कर रहा है? अगर इसके पीछे वासु ने हिम्मत दिखाई है तो एक बात याद रखना, उसे पकड़ने के लिए ऊपर के लोग भी हैं। पिताजी का बहुत बड़ा सपना था ये इंटरनेट सिटी बनाने का। गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके जिंदगी में आगे बढ़े ऐसा सोचते थे। चाहे कुछ भी हो मैं उसका मुकाबला करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। एनी, तुम बेकार में जिद मत करो। एलेक्स, क्या बात है, तुमने किसी को जुबान दी है क्या? ये एग्रीमेंट नहीं होने वाला। मेरे तीन बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा जो मंगलसूत्र बांधा है वो एक मर्द है, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन मैं गलत था। ये तीनों बच्चों की नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, इस बात को मैं समझ चुका हूँ। मरने से पहले मेरे बेटे जोसेफ का जो सपना था वो जरूर पूरा होगा, होना ही चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर निवासु बोलो। हाँ, एवरीथिंग रेडी सर? यस मैडम, लेकिन क्या हुआ? प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया। किस कारण से?
वो लोग एक घंटा लेट है, 10:30 बजे का प्लान था। तो फिर दादाजी? वो भी उन्हीं के साथ आएंगे बोले। अरे बेकार की टेंशन मत लो, एक घंटे बाद ही आएंगे। तब तक आप और मैडम रूम पर ठहर सकते हैं। यही हमारे पास एक रास्ता है, चलो। प्लीज सर। सर आप यहाँ वेट कर सकते हैं। उस आदमी ने फोन किया होता तो हमें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। अरे उसे छोड़ो, जब देखो एलेक्स आदमी तो आएंगे ना अभी, बेकार में क्यों। रुको रुको रुको, चैनल वाले यहाँ आए हुए हैं। हेलो। अरे सुनो सर, यहाँ एलेक्स नाम का कोई रूम लिया है क्या? हाँ सर। कौन सा रूम? 206। हाँ 206। 206 अरे बाप रे, बहुत सही टाइमिंग है। अरे? वैसे काम पूरा हो गया ना, चलो अब निकलते हैं। अरे? चलो चलो सर हम लोग। अरे सारे डायलॉग अखबार में छपने के बाद। हेलो हेलो हेलो, फोटो निकालो, अच्छे से फोटो निकालो। तुम यहाँ आकर खड़े हो जाओ। अरे हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया है मैं कोर्ट में बताऊंगा। अभी तुम दोनों मियां बीवी चलो। ए जरा रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, इसे जाने दो। अरे छोड़ो। अरे अरे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, उठाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो हटो, इसे लेकर जाओ। चलो चलो चलो, इसे भी ले जाओ, पकड़ो लेके चलो। होटल में रूम लेकर रासलीला कर रहे हैं, लेकर जाओ इन्हें। अरे चलो चलो, सब लोगों को देखने ना दो, चलो लेके इसे, चलो चलो लेकर चलो इसे। अरे क्या हुआ? अरे बोल रहा हूँ ना, चुपचाप सीधे चलो। मुझे बताएगा कोई? अरे बोल रहा हूँ ना, चलो। अरे चलो। छाला वासु बोलता है अपने आप को। अरे गाड़ी रास्ते से हटाओ कीड़े कहीं के। अरे बेकार का गुस्सा मत कीजिए सर, उन्हें छोड़ दीजिए। अरे वासु तुम नीचे उतरो, मेरी बात सुनो। तुम जो खेल खेल रहे हो ना वो मार्केट में खेलना, रास्ते में नहीं। सर ये यहाँ के इंसानों की भूमि है, यहाँ के लोगों के लिए छाला मार्केट और सड़क एक ही होती है। सर फिलहाल उन्हें नीचे उतार दीजिए, बेकार में वर्दी पर कीचड़ मत उछालिए। ये आदमी अच्छे से नहीं समझ पाएगा। क्या कर लोगे? रास्ता छोड़ो। ओ, ओ। हट रास्ते से। अरे चल, ये तमाशा क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। नहीं रुक जाओ। तुम लोग बोल रहे थे ना, कोई भी अपने बाप की औलाद है तो वासु की बीवी को हाथ लगा के दिखाओ। अच्छे घर की लड़की को किस तरह बदनाम कर रहे हो? हाथ लगाने से पहले तुम्हारा खून बाहर निकल आएगा। इस लड़की की इज्जत की नीलामी के लिए तुम लोग तुले हुए हो। इस लड़की पर जो दाग लगा है उसे मिटा सकते हो क्या? सर सर मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं निकाला सर। अरे चुप कर, इस तरह बिना इज्जत के गैर जिम्मेदार लोगों को छाता पकड़ने के लिए तुम मीडिया वाले साथ देते हो। अखबार का धर्म क्या होता है ये जरा भी पता चल जाएगा तुम लोगों को। वो इस गांव में जीवित है लेकिन इंसानियत ऐसे खुदगर्ज और नालायक लोगों के पीछे कैमरा ले जाने में नहीं है। मेरे और इस लड़की के बीच में संबंध को लेकर कुछ नई कहानी पकाने के लिए तैयार हो। अभी निकल जाओ चुपचाप यहाँ से। जाओ और जाकर साबित करो भगवा पहन कर नेतागिरी के नाम पे जो लूट मार कर रहे हैं उनमें से किसी एक को पकड़ कर जेल में अंदर करवाओ। उस दिन तुम्हारे सामने ये वासु इस लड़की को लेकर आएगा। अरे मार्टिन बेटा, अब ये अहंकार निकाल कर तुम इस वासु के करीब आओगे ना तो इस बॉडी को मटन की शॉप पर काट काट कर कीमा बना दूंगा। आजकल तुम पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाने लगे हो। हाँ, ये पूछने वाला तू कौन है बे? गरीबों के नाम पर पार्लियामेंट में जाकर बात रखने के लिए भी तुम रिश्वत लेने वाले गटर के कीड़े हो तुम। इस गांव और इस देश के श्राप हो तुम लोग जो ऐसे नेतागिरी करते हो। अगर कोई एक बाप की औलाद है तो सामने आकर टकराओ। वो छोड़कर अगर फिर से वासु के साथ भिड़ने की कोशिश की तो साला इस पैंट को उतार कर वापस छाला मार्केट में गुंडागर्दी पे उतर जाएगा वासु। ये बदनाम की धरती है, यहाँ कब कैसे चलना है वासु अच्छी तरह जानता है।
उस दिन उस तरह की स्थिति में एनी को बचाने के लिए इस वासु के पास एक ही रास्ता बचा था, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था दादाजी। दादाजी, वासु ने आज तक जो भी आपसे मांगा है उसके लिए आपने कभी भी मना नहीं किया। आज मैं एक बात पूछता हूं, वासु ने जो मंगलसूत्र पहनाया है ये उस एनी की बदकिस्मती है, उसे कैसे भी समझाइए, मेरी बात मानिए दादाजी। तुमने अब तक जो बोला है वो दादाजी माने हैं, लेकिन इस बात को तुम मुझसे मत पूछो। नहीं, आप जो कहने वाले हो मैं जानती हूँ, बस करो। इस तरह के हालात में एक लड़की, उसके दिल में क्या चल रहा होगा मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी जिंदगी में इतने सारे दुश्मन होंगे, उनके सामने मैं अपना सर झुकाऊंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे यार, मैं तो मैं जानती हूँ, उस स्थिति में मुझे बचाने के लिए आपने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, ये मैं जानती हूँ। एनी, नहीं वासु, आज जो स्थिति हुई है उसमें आपको जबरदस्ती गले में मंगलसूत्र बांधने पर मजबूर कर दिया, ये मेरा दिल मानने तक मुझे अकेले छोड़ दो। ये पैसे, शोहरत, ये सब वासु को कभी नहीं चाहिए था। पहले आप कहती थी ना माधुहिमा, पैसे इंसान की नीयत बदल देता है, ये सच है। मार्केट में मेहनत करके खून पसीना बहा कर जो कमाते हैं, वो पैसा जब हम अपनी मुट्ठी में बांध कर रखते हैं उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। लेकिन अभी अमीर वासु की वजह से एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जाने दीजिए, कर भी क्या सकता हूँ। अरे सबको हिम्मत देने वाले तुम, आज इस तरह हिम्मत हार कर बैठोगे कैसे चलेगा? मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझसे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। अभी तुम कुछ भी बहाना करके हम लोगों को तसल्ली मत दो। एक एमएलए एमपी को बीच रोड पर जो अपमान किया गया है, उस शख्स को तुम अरेस्ट नहीं कर पाओगे? अगर तुमसे नहीं होगा तो बताओ, डिपार्टमेंट में तुमसे भी ज्यादा हाई पोस्ट पर रहने वाले ऑफिसर को हम जानते हैं। खून का इल्जाम है, उस गुनहगार को इस तरह सलाखों के बाहर छोड़ोगे तो हम क्या तमाशा देखेंगे? सुनिए, आजकल मुझे कानून सिखाने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। ऐसे वासु एक गुनहगार है, इसका फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ, उसे गुनहगार साबित करने वाला कोर्ट है, कानून है। उसे अरेस्ट करोगे या नहीं? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, 24 घंटे में अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो हम जानते हैं अच्छी तरह हमें क्या करना है। चलो चलो। इस बच्चे को मैं क्या समझाऊं, बेवजह का टेंशन ले रहा है, जरा इसे समझाओ हम सब भाई, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। अरे क्या हुआ अभी, कोलापल्ली के खून के इल्जाम में तुम फंसे हो, फिर भी हम लोगों ने तुम्हें जमानत पे बाहर निकाला है, वो केस हमारे पक्ष में ही आ रहा है। आमसा जी, जिस जनता के सेवक एमपी एमएलए को पीस सड़क पर मैंने अपमान किया और कोलापल्ली के कत्ल में मैं शामिल हूँ, इसलिए खेल रचाया गया है। कुछ भी कहो, इस गुस्से में वो कुछ भी करेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये घर है, यहाँ पुलिस आकर अगर तंग करेगी तो किसे तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम दूर चले जाओ, लगता है पुलिस आ गई। अरे अरे रुको रुको रुको, जल्दी आ जाओ। चलो वासु, तुम पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। रमना, तू गाड़ी लेकर आ, यहाँ के मामले को मैं निपटाता हूँ। वासु संभाल के। ए छाला वासु, अरे वासु, तू इस महल में अच्छे से जीने के लिए सोच रहा है ना? अरे बाप रे, नेताजी भी है यहाँ क्या? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, अस्पताल से कब आए? जो भी सवाल पूछना है वो कोर्ट में पूछना, सबका जवाब मैं दूंगा। अरे खड़े होकर मुंह मत देखो, सर्च करो छलावासु और उसके दोस्त को भी, घर का हर एक कोना कोना छान मारो। अरे ये किसका बाल है? अरे 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 अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ, ये बॉक्स में क्या है? ये सिंगापुर का बक्सा है। ऐसा क्या है इसमें? इसके अंदर कुछ दवाइयाँ हैं जो सिंगापुर में फेमस है। अरे उसने शॉप में जो बचा कर रखा है, तुम जानते हो ना मुझसे भिड़ने का अंजाम क्या होगा। अरे तुम जाओ यार। और क्या, वैसे नेताजी
अरे सर, आप लोग आ गए क्या? बच्चों तुम लोग यहाँ खड़े हो जाओ, सर को अपना काम करने दो। इसके अंदर देखो। सर इधर बर्तन के अंदर भी जाकर ढूंढ लो। हाँ? हाँ? क्या हुआ है? अंदर कुछ नहीं मिला सर। ए, इधर क्या हुआ? अरे उधर जाकर देखो फिर। देख लिया सर। अरे वो आने से पहले निकल गया। कोई बात नहीं, अगर ये मार्टिन है तो उसे जरूर उठा लूंगा। अभी चलो। हाँ क्या बात है? ठीक है मैं बताता हूँ। ओके। नमस्कार सर। आ जाओ आ जाओ। मार्टिन के वहां आने से पहले तुम लोग बचकर निकल गए ना? आप कुछ भी मत बोलिए सर, किसी तरह से मैं समझाकर रास्ते पे लाया हूँ। हाँ वो MLA, MP, पुलिस वाले, मीडिया वाले सब मेरा वेट कर रहे हैं। सर आप जानते हैं ना, एक इंसान को मारने जैसा दिल इसके अंदर नहीं है। हमसा ये मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मेरा फैसला नहीं है, लेकिन जोसेफ के कत्ल में और भाई के कत्ल में इसका हाथ नहीं है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन दादाजी के बच्चों को ये केस तकलीफ दे सकता है, और ऊपर से जो भी सबूत हैं वो सब इसके खिलाफ है। लेकिन इस बीच इसने किसे मारा है ये तो पता है ना? MLA MP को मारा है इसने, समझ गए? वो क्या है कि एक बेचारी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे थे ना वो लोग। सर कुछ तो रास्ता निकालिए। सुनो रास्ता एक ही है, भाई के कत्ल के बारे में आम तौर पर सबूत मिलने तक इसे किसी के हाथ लगने मत देना, खास करके उस मार्टिन के हाथ में। अरे रुको रुको रुको। अरे पकड़ो। अरे मुझे नहीं उसे पकड़ो। बताना चाहिए ना। इसे मारो। अरे हिलना मत। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। बताओ किसने मारा? बताओ बोलो पुल्ली को किसने मारा? बता चल बता कौन मारा? चल बता बताओ ना साले कौन मारा? बोलो पुल्ली को किसने मारा? बताओ साले बता। ये बताएगा? बता दो, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये जानता है कोलाबली को किसने मारा? चल बता नहीं तो बताता हूं। दोस्तों और करुणा के बीच दरार पैदा हुआ। ये कोलापल्ली है, ये वासु के जरिए एलेक्स के मुताबिक हमारे सुनने में आया कोलापल्ली को मार के। कोलापल्ली के खून के इल्जाम में वासु को फंसा दिया। वो साजिश मेरा नहीं सुधाकर का है, इसमें बाबू कुट्टी और मार्टन भी हैं। अरे चलो यार। अरे मार्टिन तुम चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। हा? तो फिर उस DGP को फोन लगाओ, नहीं तो फिर उस SP को लगाओ फोन। नहीं मिला क्या? अरे जरा फोन करके देखो यार, सदा हाथ से ना निकल जाए। हाजी भाई अपने हाथ से सब निकल रहा है, राजशेखर ने सब कुछ खुलकर बता दिया है, अब हमारी पुंगी बजने वाली है। ये तुम्हारे एरिया नहीं, यहाँ का राजा मैं हूँ, कोई भी पुलिस वाला यहाँ नहीं आएगा। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम सेफ हो। यार तुम लोग चिंता मत करो। इधर देखो भाई, देखो भाई, इधर। अरे आप लोग जैसा सोच रहे हैं वो वैसा पुराना वासु नहीं है अब। उसके हाथ में पैसा, हथियार सब कुछ है, और ऊपर से आदमियों का सपोर्ट भी। छाला मार्केट पूरा उसी के हाथ में है, अब हम लोग उसका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं सुधाकर, उसके एरिया में जाकर हम कुछ करने वाले नहीं है, वो खुद ब खुद यहाँ ढूंढता हुआ हमारे पास आएगा। अरे यहाँ के मालिक 3 है, वो जोसेफ और कोलापल्ली को हम लोगों ने खत्म कर दिया, और बाकी बचा हमसा। उसे हमने मार दिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऊपर से एक पीले कलर का मंगलसूत्र पहनकर बीवी को भी साथ ले जाएगा। अरे जो सबकी बेटी। हुँ। हुँ।
बाकी का मुझ पे छोड़ दो। मार्तंड भाई, मैंने सुन लिया, मैं सब संभाल लूंगा सब। भाई रहने दो, तुम्हारा मन मुझसे नहीं बदलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। डर गई क्या तुम? डर गई? डरो मत, रो मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं औरत की इज्जत के साथ नहीं खेलता हूँ। इतना कठोर दिल वाला नहीं है ये मार्तंड। फिर से तुम डर गई क्या? डर गई? डरो मत। लेकिन वो वासु, उसे यहाँ आना ही होगा। आएगा ना? हाँ आएगा ना? जैसे ही वो यहाँ आएगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वासु यहाँ आएगा? हाँ आने दो। और उसके साथ तेरे भी टुकड़े कर देंगे। हाँ।
वासी भाई ये लो जला डालो। मैं चाहूं तो तुम लोग यहां जिंदा जला सकता हूं, पर वासु ऐसा नहीं करेगा। नहीं, दुश्मन से बदला लेने के लिए किसी कुत्ते का सहारा नहीं चाहिए इस वासु को। मैं इस गांव और कानून के भलाई के लिए इन लोगों को छोड़ भी दूं तो उस कानून को हाथ में लिए बिना इन लोगों को कानून सिखाऊंगा मैं। फिर से तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें जिंदा दफनाने के लिए एक और वासु पैदा हो जाएगा। मेरे जैसे माफ करने के लिए छोड़ देने के लिए एक और वासु पैदा होगा। आने दो उसे।
जाओ।